और जम्मू संभाग के जिला सांबा, कठुआ और जम्मू के मैदानी और सीमावर्ती क्षेत्र के धान उत्पादक किसान धान की फसल की कटाई के कार्य में जुटे हैं, तो जल्द से जल्द फसल समेटना चाहते हैं, पर मजदूरों की कमी से किसान परेशान है। फसल समेटने के लिए कंबाइन मशीनों का भी सहारा ले रहे हैं। मजदूरों की कमी के साथ साथ अगली गेहूं की फसल लगाने के लिए DAP खाद की किल्लत से भी किसान जूझ रहे हैं। सुखदेव चौधरी, मैं किसान यूनियन से बोल रहा हूं और मेरे बोलने का यही भाव है कि कटाई जोरों पे चल रही है धान की, तो लेबर की बहुत शॉर्टेज चल रही है, लेकिन फिर भी लोग लेबर की शॉर्टेज की वजह से कंबाइनों का सहारा ले रहे हैं और कंबाइनें भी बहुत मशीनें पंजाब से आ रही हैं। इधर लोग दड़ादड़ लगे हुए हैं। सरकार से यही अपील है कि पीछे भी जो रेट कम थे तो ज़मींदार का कुछ बनता नहीं, जितनी उसकी लागत होती है उसके बराबर भी नहीं बन रहा, और हमारी यही अपील है सरकार से, एक तो रेट जो है किसानों को ठीक मिले और दूसरा जो आगे फसल के लिए हमें DAP खाद की ज़रूरत है उसकी किल्लत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है, और यही अपील है हमारी कि DAP जल्द से जल्द किसानों को मुहैया करवाई जाए ताकि वो अगली फसल जो आराम से लगा सके। इन दिनों जम्मू संभाग के जो मैदानी और सीमावर्ती क्षेत्र हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर धान की कटाई का कार्य जो है वो जोरों पर है और किसान जो हैं वो धान की कटाई में जुटे हुए हैं। हालांकि किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बाहरी राज्यों से मजदूर बहुत कम संख्या में आए हैं और दूसरा अगर बात करें तो कटाई के लिए किसान जो है कंबाइन मशीनों का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि फसल को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं और पंजाब से भी दर्जनों कंबाइन मशीनें जो हैं वो जम्मू संभाग में पहुंच चुकी हैं। बात करें अगर जम्मू संभाग के कठुआ जिला की, सांबा जिला की, जम्मू जिला की, वहाँ के मैदानी और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और ज़्यादातर इलाकों में जो है धान की फसल किसान लगाते हैं और इन दिनों धान की कटाई का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। किसान जल्द से जल्द फसल समेटना चाहते हैं लेकिन मजदूरों की कमी है जो उसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से मौसम भी थोड़ा ऐसे लग रहा है उसी की तरफ देखकर किसान चाहते हैं कि जल्द फसल की कटाई हो, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण जो परेशानी हो रही है उसके हिसाब से ही अगर देखा जाए तो कंबाइन मशीनों का भी सहारा ले रहे हैं किसान और जल्द से जल्द फसल जो है वो समेटना चाहते हैं। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि इस वर्ष की अगर बात करूं तो किसानों ने भारी दिक्कतों का सामना करते हुए जो है वो धान की फसल लगाई थी, और जिस जब धान की फसल लगाई जा रही उस समय बारिश भी कम हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से अगर करें बात करें तो बिजली की अघोषित कटौती की बात हो, खाद की कमी की बात हो, अब जिस तरीके से किसानों ने अगली नई फसल लगानी है इस समय भी DAP की किल्लत से किसान जो है वो जूझ रहे हैं, और किसानों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि जो कमियां हैं जो जिन चीज़ों की किसानों को जरूरत है उन्हें मुहैया करवाया जाए। जम्मू से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुरेश शर्मा।